हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी उम्र जो है उसका पता ही नहीं चलेगा आपकी स्किन को देखकर, अगर आप मेरा फेस पैक यूज़ करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, है ना? आप आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होंगी मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए और फटाफट से रेमेडी और रिजल्ट के ऊपर जाना पसंद करेंगी कि मुझे यार वो बताओ ये बातों में क्या रखा है, राइट? सो लेकिन गाइज, आपको मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। अगर आप ही चाहते हैं आपकी उम्र का आपके चेहरे से पता ना चले तो आपको मेरा पूरा वीडियो और जितने भी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी वो यूज़ ज़रूर करने हैं। एक मिनट गाइज, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं वीमेंस और गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ लेकर आई हूँ। मेकअप करने से पहले अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कि आपके ओपन पोर्स जो है फाउंडेशन में नज़र आते हैं, कैसे हम उनको श्रिंक कर सकते हैं, कैसे हमारा फाउंडेशन जो है वो एकदम से फ्लॉलेंस लगे, मेकअप एकदम से अच्छा और अच्छे से सेट हो जाए, तो उसके लिए प्राइमर का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो प्राइमर शेयर कर रही हूँ ये मैंने papal.com से मंगवाया है, जो बहुत परफेक्ट है। इसके गोल्डन पार्टिकल्स जो इसके अंदर आप देख रहे हो ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। हे गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है 24K गोल्ड प्राइमर, जो स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। वेल गाइस, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ ना तो अल्टीमेट एक लग्जरी पैकेजिंग है आपके सामने और आप देख रहे हो इसको। एंड गाइस, ये एक हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। अभी देखिए मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है और मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया एंड मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सूद हो गई है। और इसको लगाने के पहले स्किन बहुत ही अनइवन थी, बहुत ही ड्राई सी और बहुत ही अजीब सी लग रही थी, लेकिन लगाने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बच्चों की तरह बहुत ही क्यूट, बहुत ही मुलायम सी हो गई है। एंड गाइज, इसका एक बेनिफिट पता क्या है? देखिए, स्किन के ऊपर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम लोगों के, है ना, और ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है और हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। और आपके स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट होते हैं, दाग धब्बे, उनको भी फेड करने में बहुत हेल्प करता है और फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे सेट हो जाता है, क्योंकि ओपन पोर्स जो हैं उनको ये ढक देता है और उसके ऊपर जो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। और पता है, आपका फाउंडेशन भी बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होगा, मतलब जो प्रोडक्ट आप हमेशा अपने फेस पे लगाते हैं ना, आपका फाउंडेशन भी आपको चेहरे पे कम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि हमें पता है मॉनसून सीज़न है और मॉनसून सीज़न में ना हमारी स्किन के ऊपर ऑयल बहुत निकलता रहता है, तो ये आपकी स्किन को एक मैट फिनिश लुक देता है क्योंकि ये आपके ऑयल को कंट्रोल में करता है और स्किन को बहुत ही बढ़िया सा रखता है। तो आप इस प्रोडक्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन बार से क्लिक करके परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, अगर आपकी उम्र 41 है या फिर 30 है और या फिर आपकी एज 50 है और आप चाहते हैं कि आप यंग लगे, अगर 50 है तो आप 40 के लगे, है ना, तो अपनी उम्र से कम दिखने के लिए जो आपके चेहरे से आपको लग सकता है, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने डेली जो लाइफस्टाइल है उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर मैस फैला देते हैं, प्रॉपर अपनी डाइट रूटीन, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों को आप परे कर देते हैं, उनको फॉलो प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो आप अगर 20 के हैं तो 25, 30, 40 के लगना शुरू हो जाते हैं। स्किन इतनी ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे वो ग्लो नहीं रहता जो एज के साथ आना चाहिए। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बॉयज़ गर्ल्स के लिए एंड स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो हाउसवाइफ हैं और इतना सारा काम होने की वजह से या ऑफिस गोइंग है और नहीं टाइम होता आपके पास अपनी स्किन के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई एम श्योर संडे का टाइम तो आपके पास ज़रूर होता है, तो संडे के टाइम आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेडीज़ एंड गर्ल्स, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरा फेस पैक लगाते ही 10 साल पहले की तरह हो जाएंगे, 10 साल पहले की तरह की आपकी स्किन हो जाएगी, तो देखिए ये तो बिल्कुल मैं गलत कहूँगी इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपको अपनी स्किन एकदम से यंग बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है पानी की, आप कितना पानी पीते हो। पानी पता है ना कितनी सारी बीमारियों को भगा देता है, डॉक्टर से हमें दूर रखता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा अगर ग्लो चाहिए, स्किन एकदम फ्लॉलेंस ग्लास स्किन चाहिए तो पानी ज़रूर पीना पड़ेगा। पानी से पेट साफ होता है, पानी से स्किन क्लियर होती है, क्लीन होती है एंड हाइड्रेट होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं
तो दिन में कम से कम 2 लीटर पानी का सेवन ज़रूर कीजिए। ये पानी आप किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं, पानी में किसी भी लिक्विड चीज़ को आप ले सकते हैं, जैसे कि जूस हो गया, सिकंजमी हो गया, है ना, किसी भी फॉर्म के अंदर, लाइक लेकिन अल्कोहल नहीं, राइट। सो किसी फॉर्म के अंदर आप पानी को ले सकते हैं, जिससे आपका पूरे दिन का 2 लीटर पानी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। अभी देखिए, अब मैंने अगर मैं सिंपली बात करूँ कि हम लोग जब जिम जाते हैं तो जिम जाके जो लड़के हैं वो अपने मसल्स बनाते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, है ना। तो उनकी स्किन जो है, यहाँ की अगर स्किन देखो, उनके डॉलों की स्किन, डॉले लाइक मसल्स, है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, स्किन बहुत खींची खींची सी होती है ना, एकदम से बहुत ही बढ़िया, एकदम कैची उनकी बॉडी लगती है। तो वैसे ही अगर आप अपनी स्किन की एक्सरसाइज करते हैं तो फेस मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं, जो ढीली स्किन है वो टाइट होती है, जिससे अगर आप मेकअप करते हैं, पार्टी में जाते हैं, या फिर अगर आपकी एज 40 भी है तब भी आप 30 के लगोगे। लेकिन पानी एंड एक्सरसाइज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो, एक्सरसाइज फेस का ज़रूर करें। एक्सरसाइज फेस की कौन सी करनी चाहिए, जिससे हमारे फेस मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फेस एक्सरसाइज के लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। सो गाइज, अब बारी आ जाती है सनस्क्रीन की। तो सनस्क्रीन लोशन फेस पे लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो जब भी लाइटिंग में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके फेस पे सनस्क्रीन लोशन लगा होना चाहिए। देखिए, जो स्किन का फर्स्ट लेयर होता है वो हमारी अंदर की सतह को, अंदर की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और जो बाहर की स्किन होती है हमारी, उसी पे अगर ग्लो नहीं होगा, अगर उसी पे सन रेज की वजह से स्किन के ऊपर दाने हो जाएंगे, स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, अनइवन लगेगी, तो उससे आपको पता है कि स्किन का टोन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। सो बेटर है कि आप सनस्क्रीन लोशन फेस पे जरूर अप्लाई करके जाएं, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करने से आपकी स्किन के ऊपर जो यूवी रेस का खतरा हमारी स्किन के ऊपर मंडराता रहता है वो बहुत कम हो जाता है। तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट पहले फेस के ऊपर सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाइएगा। तो अब लास्टली बारी आती है हमारे फेस पैक की। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिया सीड। चिया सीड यानी कि अलसी के बीज, जो बहुत अच्छे होते हैं स्किन को, बहुत ही फ्लॉलेंस ग्लास स्किन जो भी आप कहना चाहें, उसे एकदम से बढ़िया बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आपको चिया सीड बहुत हेल्प करते हैं। स्किन के ऊपर जो रिंकल्स होते हैं उन्हें क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं, स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें क्लीन करने में हेल्प करते हैं, स्किन के ऊपर जो पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं उन्हें रिलैक्स कर उनको ठीक करने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो चिया सीड का कैसे आपको यूज़ करना है, सबसे पहले तो चिया सीड को आपने दूध में भिगो के रखना है। आपको पता है ना कि चिया सीड जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा सोखता है, राइट। तो एक जेल हमें बना लेनी है। तो चिया सीड को आपने दूध में डालकर उसको कम से कम 20 मिनट तक इसी तरह से गिलास में, किसी भी कटोरे में डालकर रख दीजिए। तब तक जितना भी पानी होगा चिया सीड वो चूस लेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और चिया सीड के जो जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो उनका जो साइज़ है वो उनसे दुगना तिगना हो जाएगा। अब हमें चाहिए एक मिक्सचर, जिसके अंदर हम 2 चम्मच चिया सीड जो हमें एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है वो डाल देनी है 2 चम्मच। बाकी का आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 2 चम्मच चिया सीड आपने, अब आपके पास जो चिया सीड आ गया है आपने उसको एक मिक्सचर यानी कि एक जार के अंदर डाल देना है। उसके अंदर अब आपको चाहिए चुकंदर। चुकंदर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को एकदम क्लीन, अनइवन, और इसके साथ साथ हमारी स्किन के टोन को निखारने में बहुत हेल्प करता है, स्किन के रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिमूव करता है, हमारी स्किन को यंग बनाता है। तो आपने आधा चुकंदर इसके अंदर डाल देना है, और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं। अब आपने जार को चलाना है और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपने इस पेस्ट को अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लेना है, ठीक है जी। और इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चिया सीड पेस्ट और चुकंदर का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो चाहिए। ये 2 चम्मच आप निकाल लीजिए, और इसके अंदर आपने आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिक्स कर देना है। मुलेठी पाउडर स्किन को टाइट यंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। आप गूगल एक बार सर्च करके देखें मुलेठी पाउडर के स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं
कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसलिए हम शॉर्ट में ही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने मुलेठी पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर ज़रूर डालना है, और सॉरी मुलेठी पाउडर 1/2 चम्मच इसके अंदर डालना है और एक इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि पेस्ट थोड़ा थिक बन गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं और इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है 20 से 30 मिनट तक। उसके बाद आपने इस पेस्ट को अच्छे से क्लीन करते हुए वॉश कर लेना है, साथ साथ में स्किन की मसाज करते जाइए और इस पेस्ट को अपने चेहरे से रिमूव कर लीजिए। फर्स्ट यूज से ही आपको आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्किन एकदम ग्लोइंग फ्लॉलेंस क्लीन लगेगी, स्किन के ऊपर जो एक्ने पिंपल्स हैं वो भी दूर होंगे, स्किन का जो ग्लो है वो भी बाहर निकल के आएगा और इसके साथ साथ जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक होते नजर आएंगे। अगर आपके पास वक्त है तो इसको आप डेली यूज कीजिए, 1 महीना डेली लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन के टोन के साथ साथ स्किन टाइट होती भी आपको नजर आएगी। लेकिन आपको पानी सही मात्रा में 2 लीटर जैसे मैंने आपको बोला है वो ज़रूर करना है, साथ साथ में फेस एक्सरसाइज भी करनी है। आपको पता है एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है कि पानी मुंह में डाल के थोड़ी देर अगर आप अपने मुंह के अंदर पानी डाल के लाइक दिस करेंगे तब भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके फेस के लिए, जिससे मसल्स फेस के स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हेल्दी खाना खाना है, बाहर के फूड को जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। अब मिलोगी अपने नए वीडियो में और हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बार में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मुलेठी पाउडर हम कहाँ से परचेज करें, क्या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कौन सी क्वालिटी, कौन सी कंपनी का, कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया है, वहां से क्लिक करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं।